मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपरों से भरे संदूक मिलने के बाद बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकांत द्विवेदी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाड़ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। परसाखेड़ा स्थित वेयर हाउस में 10 मार्च को मतगणना होनी है। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र से आई कूड़े की गाड़ी को जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चेक किया तो उसमें बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिले। इस प्रकरण पर बोलते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि धर्मबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशन ली और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है, इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए।